धरती के लिए सूरज बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते ही हैं कि सूर्य की मदद से ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है। अगर सूर्य को अपनी स्थिति से कुछ समय के लिए हटा दिया जाए तो प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य की वजह से ही धरती और बाकी ग्रह अपने कक्ष के अंदर टिके हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सूरज की उम्र क्या है, ये हमें कब तक रोशनी देगा? तो इसका जवाब भी अब मिल चुका है कि आखिर कब तक सूरज जिंदा रहेगा। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे आगे हम आपको काफी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे। खुली आंखों से हम आसमान में कई हजार सितारे देख सकते हैं। वे हमें छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिखते हैं, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। सितारे असल में विशाल खगोलीय पिंड होते हैं जो गर्म और विद्युत आवेशित गैसों यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस से बनते हैं। इनके अंदर इतनी गर्मी और दबाव होता है कि हाइड्रोजन जैसे हल्के एटमी तत्व हीलियम जैसे भारी तत्वों से टकराते रहते हैं। इनके अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सितारे चमकते हैं, और एक ऐसा ही सितारा जो दिन भर हमारे साथ चमकता है, हमारे सामने चमकता है, वो है सूरज। क्योंकि वो हमारे काफी करीब है, इसलिए हम इसका वैज्ञानिक विस्तार से अध्ययन कर पा रहे हैं। पृथ्वी की तुलना में सूरज बहुत विशाल है, लेकिन बाकी सितारों की तुलना में ये बहुत छोटा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सितारों को उनकी चमक और रोशनी के रंग के हिसाब से अलग अलग समूहों में यानी कि ग्रुप्स में बांटा है। ज्यादातर सितारे मेन स्ट्रीम यानी मुख्य क्रम का हिस्सा है। मध्य में हमारा सूरज है, इस तरह वे एक सामान्य सितारा है। लाल छोटे सितारे सबसे छोटे समूह में शामिल है। चूंकि इनमें मौजूद हाइड्रोजन धीरे धीरे जलती है, इसलिए उनकी उम्र खरबों साल तक हो जाती है। लेकिन सूरज को लेकर जो खुलासा हुआ है वो ये है कि हमारा सूरज महज 12 अरब सालों तक ही चमक दे सकेगा। वो इसलिए क्योंकि अब एक सबसे भारी सितारा खोजा जा चुका है जो सूरज से 260 गुना भारी और 1 करोड़ गुना ज्यादा चमकदार है। जब इसका सारा ईंधन जल जाएगा तो हो सकता है कि वह सुपरनोवा की तरह खत्म हो जाए, या फिर ब्लैक होल भी बन सकता है। इससे निकलने वाले परमाणु तत्व अंतरिक्ष में फैल जाएंगे। माना जाता है कि ग्रहों और जीवित प्राणियों को बनाने वाली सामग्री जैसे कि हमारे खून में मौजूद आयरन भी सितारों से ही दुनिया में आया है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना हमारी धरती एक मुर्दा घर होती। सूरज हमें जिंदगी देता है और हमारी आंखों को सुकून। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें बताती हैं कि सूरज किस कदर उबल रहा है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एलिमेंट्स के बादल अंतरिक्ष में फेंकता रहता है, और ये सौर तूफान हमारी धरती पर भी आते हैं। पोलर लाइट्स इन्हीं का नतीजा होते हैं। सूरज के कण संवेदनशील तकनीक और जीवित प्राणियों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। बड़ी बड़ी दूरबीनों से वैज्ञानिक सुदूर सितारों के चुंबकीय क्षेत्रों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस चुंबकीय क्षेत्रों और उनसे जुड़ी जानकारी से सितारों के आसपास की परिस्थितियों को बेहतर रूप से समझने में मदद मिलती है। इससे ये भी पता चलेगा कि क्या कहीं दूर इंसानों के रहने लायक पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह है या नहीं। तो ये था सूरज की जिंदगी का रहस्य। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय दें, और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चलवाना है तो वो भी हमें कमेंट के जरिए बताते रहिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते इंडिया।